आपने हमारे लिए अर्नब गोस्वामी को अर्नब गोस्वामी बनाया है। इफ यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन देन प्लीज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल कॉमेंट्री बिकॉज दिस इज देयर शो। द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि मोना सिंह को फर्स्ट एपिसोड में यार एक ऐसे आइलैंड में एक पैंडेमिक टाइप सिचुएशन है एंड द मोस्ट केपेबल पर्सन इनफैक्ट द ओनली केपेबल पर्सन जो कि हैंडल कर सकता है वो फर्स्ट एपिसोड में मर जाती है। ये पिच है हमारा। स्क्रिप्टिंग में ऑन एन एवरेज अगर एक घंटे का एपिसोड लिख रहे हैं कितना टाइम लेना चाहिए? इनफैक्ट मैं बोल दूं तो ज्यादा टाइम ले लेगा। जैसे मैं जीतू से दोस्ती इसलिए की यार उसका भी तेरा भी थिएटर में इंटरेस्ट है मेरा भी थिएटर में इंटरेस्ट है। अच्छा पायलट एपिसोड लिखने का इंग्रेडिएंट क्या होता है? बहुत सारी जनता होती है जो बात इतना करती है ना राइटिंग को लेके। अरे भाई लिखना यार, टॉकिंग अबाउट राइटिंग इज नॉट राइटिंग। करना हाँ वही है तो करना, करना है तो कर। पिचेस का एक चीज जो जब आई थी तब कनेक्ट भी किया था और शायद अभी भी कनेक्ट कर रहा है अगर, तो वो चीज है कि यार जो मेजर लोग हैं जो हमारे आसपास हम सब उसी वर्ल्ड से आते हैं हम इनकी कहानी नहीं देखते कभी। ये कि यार काम में मचाना है ना, इमोशन नहीं एग्जिस्ट करता था मेन स्ट्रीम में। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड तो वही था ये बिबू भी यही बोलते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो अनफोल्डिंग टैलेंट्स। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप ही कुछ बोलो यार बिबू। नहीं नहीं आप ही बोलो क्योंकि हम इंट्रोडक्शन अगर देने बैठे तो फिर ये पूरा इंट्रोडक्शन तो मुझे लग रहा है फंबल पे फंबल होगा हमारा। शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर शो विश्वपति सरकार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी यार, मैं बहुत बढ़िया हूं यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे देख के हमारी खराब मिमिक्री देख के। सबकी खराबी मेरी भी खराबी है। हमें आपने हमारे लिए अर्नब गोस्वामी को अर्नब गोस्वामी बनाया। तो इंडिया की जो फर्स्ट वेब सीरीज थी परमानेंट रूममेट्स, आप वो बनाते हो और फिर अभी आप काला पानी बनाते हो। 10-11 साल का एक टाइम स्पैन है, 10 साल एक डेकेड जिसको कहा जा सकता है, राइट? कंटेंट बहुत बदल गया, ऑडियंस बहुत बदल गई, इवॉल्व हो गई। जो काला पानी जब बनना शुरू किया था, करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, वो कोरोना से पहले का एक दौर था जिस समय आप लोगों ने सोचा था कि ऐसा कुछ बनाना है, एंड देन कोरोना हैपेंड। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। तो ये जो आइडिया था ना, ये ऐसा 10th 11th में मैं जब गया था अंडमान निकोबार, तब मेरे को मैं जब हम लोग जो सेलुलर जेल का जब गाइडेड टूर ले रहे थे तब किसी गाइड ने काला पानी और काल पानी बोलते थे। और आज भी इफ यू गो ऑन यूट्यूब और सर्च ना, आज भी गाइड्स का तो वही रहता है, तो वही स्क्रिप्ट सेम स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो वो चीज पता नहीं कभी घर कर गई थी दिमाग में कि यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। और फिर एक स्टीफन किंग की एक बुक थी अंडर द डोम, इट इज अबाउट कि एक सिटी ट्रैप हो जाती है एक डोम में, और मुझे लगता था आइलैंड तो यार ट्रैप्ड ही है। फिर 2011 में एक फिल्म आई थी कंटेजियन, वो मैंने देखी और वो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा सही है। तो कहीं ना कहीं ये दो तीन चीजें मिक्स हो गई कि माइंड में कि यार ऐसा मेडिकल थ्रिलर कुछ कर सकते हैं अंडमान। फिर जब कोविड हुआ और कोविड में जब वो फैला तब लगा कि यार ये तो मेडिकल कहानी है ही नहीं। ये जब पिच किया ना और कोविड में जो चल रहा था दिमाग में और मतलब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे वो ऑफकोर्स किसी ने वैसा सोचा नहीं था। तो फिर आई थिंक नेचुरली डेथ के बारे में हम बहुत सोचते हो, डेथ नेचर ये सारी चीज़, तो उसके अराउंड ही अपने आप और फिर जो भी राइटर्स थे हम लोग सब बात बात करते रहते थे जूम पे ही, और उससे सडनली रियलाइज। और पता नहीं उस वक्त सबके घर पे किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, पेरेंट्स इन लॉज कहीं ना कहीं कुछ अफेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप वो एक काइंड ऑफ वो ट्रेजेडी तो बहुत इजीली मिल गया हमें, और लगा कि इसके बारे में ना हम सोशल चीज़ें बनाते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें बनाते हैं, बट हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कम कंटेंट बनाते हैं। राइट राइट राइट। तो काइंड ऑफ हम उसमें कुछ नया कर सकते हैं क्या, मतलब बिना उपदेश दिए कि अरे भाई ये मत प्रीची नहीं होना चाहिए, प्रीची मत करो उसको, और कितना ह्यूमन और कितना रियल कैरेक्टर्स के बारे में कितना हम वो कर सकते हैं। तो आई थिंक वही काइंड ऑफ एम था और वो अपने आप बनता चला गया यार। वो मतलब एक्चुअली हमने ब्रेक डाउन भी किए थे एपिसोड्स के, और मतलब मोटा मोटा चीज़ें सेम थी बट काफ़ी लिखते लिखते काफ़ी नए डायरेक्शंस मिले, वो स्मूथली लेते गए और वो जस्टिफाई होता गया एपिसोड पर एपिसोड। द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि मोना सिंह को फर्स्ट एपिसोड में अरे हाँ किल कर दिया गया। ये हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि मोना सिंह बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, कि मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था और वो मतलब हो गया, वो दैट वाज वेरी शॉकिंग मोमेंट। आई थिंक जो हमारा पिच ही वही था, हमारा पिच ये था कि यार एक ऐसे आइलैंड में एक पैंडेमिक टाइप सिचुएशन है एंड द मोस्ट केपेबल पर्सन इनफैक्ट द ओनली केपेबल पर्सन जो कि हैंडल कर सकता है वो फर्स्ट एपिसोड में मर जाती है। ये पिच है हमारा, ये वर्ल्ड है
क्योंकि इससे होता क्या है ना, सडनली सब कुछ अनसेफ फील हो जाता है. जो हम कई शोज जो हम पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐसे गेम ऑफ थ्रोन्स दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंट मेमोरी में, तो वाई दैट शो वर्क्स ऑल्सो ना इज दैट कि आप प्लॉट आर्मर चला जाता है. नॉर्मल कहानी में क्या होता है कि अच्छा कैरेक्टर नहीं मरता, बुरा कैरेक्टर मर जाता है. बट गेम ऑफ थ्रोन्स वो शो था कि लोग क्यों बार्स में जाके देखते थे उसको. आप स्पोर्ट्स मैच देखते हो ना, क्योंकि आपकी पसंदीदा टीम है बट कोई भी जीत सकता है भाई. स्पोर्ट्स मैच में कुछ भी हो सकता है. मैं इंडिया को बैक कर रहा हूँ बट ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है अनफॉर्चुनेटली. वो भी हो सकता है. तो अब ये हम नहीं चाहते वो हो बट वो हो जाता है. तो यही एक्सपीरियंस जो स्टोरीज में होता है ना कई बार, जब इतना पॉजिटिव और इतना जो हमने नेड स्टार्क की मौत के साथ और सब बहुत शोज में हुआ है. HBO का एक शो है ऑज, उसमें भी काइंड ऑफ मुझे याद है जब पहला जो नरेटर काइंड ऑफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो पायलट में मर जाता है. आपको सडनली ये फील होता है कि यार ये कौन सी दुनिया है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसे, ये क्या हो गया. क्योंकि आपकी स्टोरी टेलिंग के रूल्स तो सारे वही कहता ना कि आपको प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए, वो ये करेगा. और जैसे ही वो पहला रूल ऑफ होता है, हमें ये भी पता था कि कुछ लोगों को बहुत वैसा लगेगा कि अरे ये क्या है, ये क्या कर दिया. तो वो बैलेंस में भी कि बाकी सारे कैरेक्टर्स भी उतने इंटरेस्टिंग हो कि भाई आप बंद ना कर दो कि भाई मोना सिंह मर गई तो अब मुझे देखना नहीं है. तो वो भी उतना बैलेंस में हो जाना चाहिए तब तक कि मैं बाकी लोगों में इतना इन्वेस्टेड हूँ कि मैं अभी भी स्टोरी चल सकती है. और वो एक होप तो रहती है कि क्या पता वापस आ जाए. इसलिए भी सेकंड एपिसोड में यू सी हर बॉडी कि भाई नहीं आ रहा है कोई वैसा. मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ कि फ्लैशबैक में आएगी या कोई जुड़वा बहन है जो आ जाएगी, वैसा नहीं है. ऑफ कोर्स वैसा नहीं है. या कोई ड्रीम सीक्वेंस होने वाला है. करेक्ट. तो इसलिए भी आई थिंक एक और मैं किसी से मिला था, वो कह रहे थे यार कि बहुत रेयरली हम देखते ना कि बच्चों की डेथ हो जाती है शोज में, क्योंकि बच्चे आर कंसिडर्ड टू बी सेफ. बट हमने वही लाइफ में पैंडेमिक देखा है यार, इस ऑडियंस ने सब ने देखा, एक्सपीरियंस किया. तो उनको वो पता है कि यार ऐसा कोई डिजीज नेचर कोई ये नहीं खेलती कि भाई तू अच्छा आदमी है तू बुरा आदमी है. जो इवॉल्व कर पाया वो सर्वाइव कर जाएगा, जो नहीं कर पाया वो मर जाएगा. वो इट्स एज सिंपल एज दैट. तो इतनी ब्रूटल फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग ही मतलब वी एस्पायर टू डू. और आई थिंक वही वर्क किया है. मतलब आई थिंक दैट इज मतलब वरना मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ एज अ राइटर या एज अ स्टोरी टेलर, मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ. तो ये एक यूनिक डायरेक्शन में ले जाना था स्टोरी को, और आई थिंक वही काफी हद तक वर्क किया. स्क्रिप्टिंग में ऑन एन एवरेज अगर एक घंटे का एपिसोड लिख रहे हैं कितना टाइम लेना चाहिए एफिशिएंटली, अगर एक एपिसोड और ये कट करके आप सबको दिखाओगे कि तुम लोग 5 दिन क्यों ले रहे हो एक नॉन फिक्शन स्क्रिप्ट लिखने में. नहीं नहीं, तो इनफैक्ट मैं बोल दूं तो ज्यादा टाइम ले लेगा. नहीं तो डिपेंड करता है. आई थिंक डिपेंड ऑल्सो ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आइडिया किस स्टेज पे है. जैसे आई थिंक जब आप किसी चीज का नेक्स्ट सीजन बना रहे हो या किसी टेम्पलेट पे बना रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप एक सिटकॉम कॉमेडी वर्क प्लेस ऐसा कुछ कर रहे हो, भले वो आधे घंटे का है बट आपको पता है ना कि ये चीज होती है. आपको पता है 2-3 ट्रैक्स होंगे या एक ट्रैक होगा ये सारा. तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चरली ऐसा माथा फोड़ने की जरूरत नहीं होती. जैसे फॉर एग्जाम्पल काला पानी का, जैसे सीजन 1 में काइंड ऑफ अपन फिगर ही कर रहे थे कि क्या चीज क्या है, ये बीस्ट है क्या, ये पेंडेमिक ड्रामा है, ह्यूमन ड्रामा है, क्या है. तो उसमें 3-4 महीने बाइबल और पायलट में गए, 4 महीने 4.5 महीने गए. बट तब तक अपने पास इतना मटेरियल था, रिसर्च हो गया था, मेजर बीट्स क्रैक हो गए थे, तो हमें पता था कि हर एपिसोड क्लैरिटी मिल चुकी है. फिर क्लैरिटी मिल गई थी. तो आई थिंक 4-5 महीने के बाद से इट टुक अस 1 month, रफली 1 month फॉर एन एपिसोड. तो सर अच्छा पायलट एपिसोड लिखने का इंग्रेडिएंट क्या होता है, कि कुछ कुछ चीजें हैं कि ये अगर तुम सही करोगे तो तुम्हारा पायलट ग्रेट हो सकता है. मैंने एक चीज रियलाइज की है ऑफ लेट जो मुझे पायलट्स पसंद आए. एक जो बहुत यूनिक चीज होती है ना जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, वो है एक्सप्रेशन. कि राइटर का एक्सप्रेशन क्या है इस चीज में. मतलब बहुत ही बेसिक चीज है ये, कि ऐसा लगता है एक्सप्रेस तो सभी करते हैं. नहीं बट आप क्या कहना चाह रहे हो, या आप किस क्लैरिटी से, आप क्या वर्ल्ड में. जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि पिचेस का एक चीज जो जब आई थी तब कनेक्ट भी किया था और शायद अभी भी कनेक्ट कर रहा है अगर, तो वो चीज है कि यार हम इनकी कहानी नहीं देखते कभी. हम इन लोगों की कहानी जो दफ्तर जाते हैं, जो मेजर लोग हैं जो हमारे आसपास, हम सब उसी वर्ल्ड से आते हैं, शायद उस वर्ल्ड में गए भी थे थोड़े टाइम के लिए, बट वो फ्रस्ट्रेशन वो चीज ना वो कभी वो एस्पिरेशन कोई कैप्चर ही नहीं करते. हम हिंदी फिल्मों में देखा ही नहीं है. हमने वही देखा है कि यार मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. ये कि यार काम में मचाना है ना, ये चीज, ये इमोशन नहीं एग्जिस्ट. मतलब कुछ छोटे मोटे फॉर्म्स में हुआ होगा बट ये इमोशन नहीं एग्जिस्ट करता था मेन स्ट्रीम में. तो आई थिंक वो ही इतना कनेक्ट करता ना, क्योंकि मेजोरिटी जनता वही है उनको, और हम सब उसी वर्ल्ड से आते हैं. तो ना वो फ्रेश लगता है कि यार ये चीज. बाकी सारी चीजें फिर भी हो जाती हैं
बट ये एक्सप्रेशन ना ये बहुत सडनली ये कनेक्ट करता है कि अरे ये तो नहीं देखा मैंने कभी कि यार दफ्तर से निकल के कुछ अपना करना है या कुछ अच्छा काम करना है, क्योंकि ये फीलिंग बहुत हमारे जनरेशन की है। हमारे पेरेंट्स का वो था कि यार नौकरी करनी है, स्टेबिलिटी नहीं थी उस वर्ल्ड में ना, नौकरी ही गवर्नमेंट जॉब ही बड़ी चीज़ थी। हमारा वो जनरेशन था कि नौकरी तो है बट सैटिस्फाइंग जॉब करनी, जो हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ आता ये क्या होता है जॉब सेटिस्फैक्शन, काम कर रहे हो पैसा मिल रहा है, हमारे नहीं नहीं काम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है बट काम भी तो पसंद होना चाहिए, ये थोड़ी यार, तो वो उनको नहीं समझ में आता। आई थिंक वो जैसे ही दिखाना तो उनको शायद लोगों को फ्रेश लगा। एक शो है द बेयर करके, बहुत बहुत फेमस हुआ है और आई थिंक दो सीजन आए उसके, आधे आधे घंटे के एपिसोड कहां पे देख सकते हैं? हॉटस्टार पे। हॉटस्टार पे, ओके। और बहुत ऐसा रेस्टोरेंट के अंदर वैसे वाला है। अब मैं वो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार ये है यार, ये राइटिंग है यार, ये एफर्टलेस परफॉर्मेंस सब कुछ, और लगता है कि यार ये तो मतलब जो ब्रेकिंग बैड वैसा कुछ भी स्केल वेल कुछ नहीं है, नॉर्मल एक रेस्टोरेंट में लोग बात कर रहे हैं, और आपको लगता है यार ये क्या पेसिंग है यार, ये क्या कट्स हैं, ये क्या एडिट चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, मेरे को कुछ मैंने देखा ही नहीं ऐसा कुछ यार। तो इतना यूनिक लगता है वो, इतना फ्रेश लगता है, जैसे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। अब ये मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी अगेन देखा हुआ है बट एक बिल्डिंग में हो रहा है, अरे ये वो एक्टर्स हैं जो 80s 90s में पॉपुलर थे, बूढ़े हो गए अभी, दे आर डूइंग समथिंग, पॉडकास्ट है, ये क्या है, यूनिक वर्ल्ड है। तो इतना फ्रेश टेड लैसो हो गया, टेड लैसो इज लाइक ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म ना काइंड ऑफ, उसका थोड़ा सा हॉलीवुड वर्जन है वो, वही राजू हिरानी काइंड ऑफ वर्ल्ड है कि एक कोच आता है बट वो वर्क करता है, वो इनोसेंस, वो चार्म, क्योंकि ओल्ड स्कूल वैल्यू से बहुत टाइम से नहीं देखा है वो चीज, शायद वो वर्क कर जाती है। एक्सप्रेशन बेसिकली, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर कोई जब जोक हम सोचते हैं एज ए राइटर, ये हम पूछना चाहेंगे कि जोक लिखने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कि जैसे कि बेसिक कहा जाता है कि सेटअप लो और जोक लैंड होना चाहिए। मेरे लिए हमेशा सरप्राइज है यार, मेरे लिए हमेशा वो है कि ये अगर मैं सरप्राइज हूँ पंचलाइन से तो वो वर्क किया, और मैंने एक किसी को सुनाया और उससे भी उसको भी हंसी आ रही है वैसे वाला, तो मतलब वर्क करेगा वैसे। और मतलब आई थिंक जब वो प्योर प्लेस से आता है ना, जब आप जनरली आपका ये है कि यार ये मेरा थॉट है, ये सुनो कितना फनी है, तो वो हो जाता है। मतलब आपको फ्रेमिंग वो सारा तो चलो वो टेक्निक है, वो दो तीन साल चार साल करके आपको समझ में आ जाता है कि चलो ये लैंड कर जाएगा वो लैंड कर जाएगा, बट जब आपका प्योर पर्पस वो है कि यार आई हैव अ जोक, आई नीड टू मेक यू लाफ, और ये सही है एज अ सरप्राइज वो वर्क करे। और आई थिंक स्टोरी टेलिंग एक्चुअली एक बहुत सही एक टेड टॉक है एंड्रू स्टैंटन का, ही सेज कि स्टोरी टेलिंग इज जोक टेलिंग, कि जिस तरीके से आपको एक सेटअप करते हो और फिर एक पंचलाइन देते हो जो कि सरप्राइज होता है, वही स्टोरी का भी है कि आप सेटअप कुछ करते हो और सडनली कुछ ऐसी चीज होती है कि ओ अच्छा एक नया एस्पेक्ट खुल गया कहानी का, कि अरे उसको वो चाहिए बट अरे ये प्रॉब्लम है, अब उसको वो करना पड़ेगा, अरे काजोल काजोल से प्यार करता है शाहरुख बट बाप है, बाप को इम्प्रेस करने के लिए अभी ये चीज करेगा बट ये हो जाता है उसके भाई की भी, सॉरी जो भी उसके दोस्त, उस दोस्त के बेटे से उसकी शादी तय है, अब क्या होगा। तो ये काइंड ऑफ ये वही स्टोरी टेलिंग जोक टेलिंग काइंड ऑफ सिमिलर है। इंडिया में बहुत ऐसे राइटर हैं जो या तो उनको फीडबैक समझ नहीं आता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फीडबैक देना ही नहीं आता है और लेना भी नहीं आता और लेना भी नहीं आता है, वो ऑफेंड हो जाते हैं कि ये क्या तरीका है। तो इस पे आप सर प्लीज हम लोगों को एजुकेट कीजिए इस पे सर, कि फीडबैक कैसे देना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ गिविंग फीडबैक। तो मुझे पहली चीज तो फीडबैक का वो लगता है कि व्हेन यू आर गिविंग फीडबैक टू एनीवन, इफ योर फीडबैक इज नॉट डायरेक्टली इंप्रूविंग द स्क्रिप्ट देन डोंट गिव दैट फीडबैक, देन दैट इज नॉट फीडबैक। आपका पर्पस ही कोई आपके पास आया है तो आप उसको दो चीज बताओ जिससे कि ये चीज बेहतर हो। ऐसा हो सकता है आपको नहीं जमा वो, आप बोल दो कि यार हमारे लिए नहीं है ये, आपको टाइम इन्वॉल्व नहीं करना आपको, बट आप ये मत करो यार कि किसी को बिठा के आप उसको मोरली तोड़ रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पहली चीज आई बिलीव कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 पेज किसी ने लिखे और उसमें एक चीज भी आपके लिए नहीं वर्क की, कुछ तो वर्क करेगा। तो जो पहले वर्क कर रहा है पहले तो उसको वो लिस्ट बताओ कि भाई ये चीज़ सही है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, पहले उसको वो दिखाओ कि क्या चीज़ें तूने सही की है, ये चीज़ें सही की हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो गलत किया ना वो इसलिए गलत है क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ उल्टी भी है कि मतलब फॉर राइटर्स ऑल्सो व्हेन समबडी इज़ क्रिटिसाइजिंग, दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, दे आर क्रिटिसाइजिंग दैट सीन और दैट आइडिया दैट स्क्रिप्ट, तो उसको पर्सनली मत लो, उसको वो चीज़ है कि भाई मैंने ये कुछ बनाया है, इस चीज़ में प्रॉब्लम है और मैं ठीक भी कर सकता हूँ इसको। वही मतलब इन टेकिंग फीडबैक आल्सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा सब किसी को भी ना कि एग्जैक्टली कैसे बताएं, तो आप प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कर लो। जनता वेग ये वाला डांट के बोल दो एक बार, सॉरी सॉरी नहीं नहीं बट जब लोग बोल रहे हैं ना तो आप काइंड ऑफ बस ईयर रखो उस चीज पे कि क्या
इसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अच्छा ये फनी नहीं लग रहा क्या ये सीन, या तुझे ये लग रहा है क्या। तो आई थिंक फीडबैक आपके अपने लिए है कि आपको जो लग रहा है कि अच्छा ये समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा ग्रीडी बंदा है, ये आ रहा है समझ में, तो बोले नहीं ये तो मेरे को लगा ही नहीं, तो आपको लगा अच्छा ये मेरे दिमाग में है क्या, पेपर पे नहीं आया ये। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अबाउट गिविंग फीडबैक, आपको वो समझना है कि वो क्या बताना चाहता है, जो भी राइटर है उसको क्या बनाना है, पहले तो वो समझ लो कि तेरा विजन क्या है, उसको क्या कहना है। कि अगर उसको कहनी रोमांटिक कॉमेडी है, उसको एक स्पेस में रहना है, और आपको लगता है कि नहीं ये तो साईफाई होना चाहिए, तो भाई उसको साईफाई मत बनाओ ना, क्योंकि वो आप नहीं बना रहे हो ना, वो बना रहा है। तो काइंड ऑफ, और बहुत आई थिंक मुझे भी बहुत साल लगे टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या फीडबैक होता है, मतलब अगेन देखी बहुत सारी चीजें, तो वो मुझे बहुत लगता है कि अगर किसी ने इतना टाइम इन्वेस्ट करके लिखा है ना, एक एपिसोड अगर एक महीने डेढ़ महीने में लिखा है, आप एक दिन लेके थोड़ा अच्छे से डिटेल बना के, और उससे ना वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कई बार जो दे रहा है फीडबैक ना उसको भी नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, कि यार थोड़ा फन कर दो इसको, ये राइटर कैसे करेगा यार। तो डिटेल में मतलब क्या सर, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर पायलट एपिसोड है, तो उस पर फीडबैक का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कि सबसे पहले हम फ्लो पे बात करें, कैरेक्टर्स पे बात, मैं बोल रहा हूँ उससे भी सिंपल, उससे भी सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, आप एक पॉइंट के बाद आपने पढ़ लिया, मतलब आपको पता है कि काइंड ऑफ, तो आप पांचवें पेज पे क्या फील कर रहे हो, वो तो आप साइड में एक नोट टाइप कर सकते हो कि यार यहाँ पे मुझे ये फील हुआ, ये बहुत लंबा हो गया यार ये सीन, ये हिट हो गया यहाँ पे पॉइंट, अब आप क्यों ये एक्स्ट्रा चीज लिख रहे हो। तो वही, ये सारा फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है टू गाइड पीपल इन दैट डायरेक्शन ना। अगर आप पांच छह लोगों के साथ काम कर रहे हो तो क्या विजन है, और हर चीज को बहुत नैरो डाउन करना है कि ये इमोशन चेस कर रहे हैं इस सीन में, है ना, ये एंड है इस सीन का, यहाँ से हम ये जाएंगे। प्राइमरी चीज वो है कि यार उस यू आर नॉट अगेन, मतलब एवरीबडी इज ऑन द सेम टीम, पहले तो फीडबैक देने का वो वाली चीज है, कुछ भी पर्सनल मत रखो, ईगो कि भाई मेरा जोक है या मेरा आइडिया है, तो वो सब तो आउट ऑफ द विंडो ही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि भाई ये चीज, और कई बार उल्टा होता है, मेरे साथ हमेशा उल्टा हुआ है कि आई वॉज अ लिटिल टू डेमोक्रेटिक एट टाइम्स, कि भाई तू भी बोल तू भी बोल तू भी बोल, और मुझे लग रहा है कि यार ये नहीं वर्क करेगा, बट ठीक है तो एक बार लिख के ला, और होता वही है, दो दिन बाद वो लिख के लाता और मुझे लगता है नहीं यार ये नहीं वर्क कर रहा, तो जो मैं बोल रहा था वही सही था फिर, तो ओवर अ पीरियड में आपको भी लगता है कि ये अच्छा, अगर मेरे को सही लग रहा है तो यार ये जाते हैं एक बार, तो लिख के तो ला एक बार, ट्रस्ट मी एंड डू दिस, और फिर जब वो वर्क करता तो उसको भी लगता हाँ ये तो सही है। तो वो वाला भी है कि आपको खुद का भी कितना पुश करना है, कितना खुला छोड़ना है, वो भी थोड़ा पीरियड ऑफ टाइम में आपको समझ में आता है कि हाँ ये सही लग रहा है तो यही करते हैं, कई बार फिर होता है कि नहीं नहीं यही कर, तो वो ही टाइम लगता है, वो प्रॉपर वो रिश्ता ही है किसी के साथ आप काम करते हो ना, वो बैलेंस फाइंड करना पड़ता है, वो टाइम लगता है, फिगर आउट करना पड़ता है। और मेरा आई थिंक मेरा क्या हर कोलैबोरेशन में यूजुअली वैसा होता है कि ईदर यू कन्विंस मी और आई विल कन्विंस यू, लेट्स नॉट डू एनीथिंग दैट बोथ ऑफ अस आर नॉट कन्विंस्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिग प्रोडक्शन हाउसेस प्लेइंग सेफ एंड क्रिएटिंग कंटेंट व्हिच इज प्रोबेबली मासी बट नॉट एज क्रिएटिव as it can be. पहले जब एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बस वो जो सेम फॉर्मेट पे कुछ बना दिया, तो शायद पहले मैं ज्यादा जजमेंटल था when I was younger. अब मुझे ना थोड़ा उसका फाइनेंस समझ में आता है कि इवन दे नीड टू बैलेंस इट ऑफ, इवन इफ दे वांट टू एक्सपेरिमेंट दो चार चीजों में, तो उनको दो चार सेफ बेट्स लेने पड़ेंगे बिजनेस साइड ऑफ इट, वो दिखता है। और मैं ऑनेस्टली बोलूं कि जो भी है ना, सब ऑडियंस की वजह से ही है, हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही, अच्छी फिल्में बनती हैं यार, देखते नहीं है लोग, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, मतलब 12th फेल उतने लोगों ने नहीं देखी ना जितना, मतलब 400 करोड़ नहीं किया ना, काफी लोगों ने देखा है, बट अगर 400 करोड़ करती तो फिर अलग डायरेक्शन में चला जाता सिनेमा, लोग जाते नहीं है। तो ये गलती काइंड ऑफ ऑडियंस की भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, की यार हम बोलते हैं कि तुम्बाड़ क्यों नहीं बनती, जब नेक्स्ट तुम्बाड़ बनेगी तुम जाओगे थिएटर में, नहीं जाओगे यार, गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी ना लोगों ने थिएटर में जाके, ठीक है काफी लोग गए थे बट वो नोवेयर क्लोज टू जो है। तो हमारे यहाँ है वो कल्चर, मतलब हम लोग विद इन इंडस्ट्री हैं बट नॉर्मल ऑडियंस जो बहुत इवॉल्व नहीं है, वो लोग अभी भी स्टार्स की वजह से जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं, तो वो तो डिनाई नहीं कर सकते कि यार दे ब्रिंग सम नंबर्स, तो इसलिए लोग जाते हैं, जिसमें शायद उतनी अच्छी राइटिंग या कॉन्टेंट ना भी हो तो भी लोग चले तो जाते हैं, भले उनको उतना मजा आए ना आए, तो वो वैल्यू तो नहीं है राइटिंग को जितना कि हम चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे। और वही है वो ऑडियंस के ऊपर ही कि आपको जाके सपोर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं बने। आपका रिलेशनशिप विद मनी कैसा है, और आप क्या आप SIP पर्सन हो या फिर आप YOLO पर्सन हो?
नहीं नहीं मैं एसआईपी पर्सन हूं यार, मैं थोड़ा रिस्पांसिबली, मेरे एक्चुअली नीड्स बहुत कम है मनी वाइज ना, ऐसा कुछ बहुत एक्चुअली अच्छा खाना इज द ओनली थिंग जो कि, और उतना मतलब खर्चा नहीं होता अच्छा खाने में, अगर घर पे भी बन जाए तो चलेगा अच्छा खाना, और मैं भी कभी कभार ऐसा हफ्ते में एक दिन काइंड ऑफ कुछ कुक कर लेता हूं। एक ऐड भी की थी आपने शायद ऐसी कुछ खाने वाली, एब्स वाला। हां 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 मैंने किया, मैंने देखी थी, बहुत कर 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 कर। तो मुझे ऐसा खाने पीने का ही शौक है, और ऐसा कुछ बहुत कुछ भी शौक नहीं है लाइफ में, और जो शौक है किताबें मूवीज ये सब तो कुछ खर्चा है ही नहीं, वैसा टचवुड अभी तक कुछ वैसा जरूरत नहीं पड़ी है कि कुछ ऐसा बड़ा खर्चा करने की या कुछ, अब सब सही सही चल जाता है। खाने की आपने बात की, खाना आपको बहुत पसंद है, करेक्ट, तो आपको बॉम्बे में खाने में क्या मिलता है जो आपको पसंद है? यार ऐसा कुछ भी ऐसा तो नहीं, आई थिंक एनीथिंग योर फेवरेट गो टू मील यार ऐसा मेरे को थोड़ा बारबेक्यूज वगैरह पसंद है। अच्छा। उसके अलावा कुछ कॉन्टिनेंटल हो गया बॉम्बे में, दिल्ली में जैसे सडनली बहुत ऑप्शन है, दिल्ली में तो कुछ भी चले जाओ कहीं पे भी खा जाओ। साउथ में बहुत, साउथ इंडियन बहुत पसंद है। कलकत्ता में कभी गया तो ऐसा चाइनीज बहुत पसंद है वहाँ। अच्छा। कलकत्ता में चाइनीज, हाँ, जो उनका कोलकाता का जो नूडल्स वगैरह होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा। या उनका मुगलई खाना भी बहुत डिफरेंट होता है, लखनऊ भोपाल तो है ही, हर जगह आप पंजाबी चाइनीज भी होता है, हम लोग कई कलकत्ता चाइनीज भी होता है, वो होता है, करेक्ट, वो भी होता है, चाइना वाले भूल चुके हैं हम लोग कई बार, जो जैसे ट्रैवल करते हैं ना तो हम लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो हमारा कई बार ऐसा फूड के अराउंड ही होता है जैसे शायद हम लोग अभी इंदौर जाएंगे सिर्फ इसलिए कि यार खाना है थोड़ा सा दो दिन बस इधर उधर स्ट्रीट और स्ट्रीट फूड टाइप ही खाते। दिल्ली में रहे हो आप कभी वैसे? दिल्ली में मैं एक इंटर्नशिप के लिए मैं 2-3 महीना था, मेरी वाइफ दिल्ली से है तो आना जाना होता रहता है, साल में एक बार तो होता ही। रमन भी दिल्ली से? ओ हां, ऑफ कोर्स, मैं रील्स देखता हूँ यार दिल्ली स्ट्रीट फूड और मैं बस रील्स देखता हूँ। देखो ना, रील्स देखते हैं सर नहीं वैसे सर्च करके कि भाई अलग से मेरे को खाने का ही देखना है मेरे को। सही है। तो आपने अभी सोशल मीडिया की बात की, करेक्ट, तो सोशल मीडिया पे आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो अदर देन फूड वीडियोस? यार सोशल मीडिया में ना एक्टिवली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत कम करूँ, मतलब आई थिंक मैंने टाइमर्स तो लगा के रखे ही हैं ऐप में एक एक घंटे के, जैसे बिबू जी खट्टी टॉफी देखना पसंद है। What is खट्टी टॉफी? आपने खट्टी टॉफी वाला नहीं देखा है? कौन सा? एक छोटा बच्चा है जिसने जो बोलता है मैंने खट्टी टॉफी खाई हुई। हाँ अच्छा अच्छा खट्टी टॉफी, हाँ खट्टी टॉफी देखिए देखिए। तो अपार्ट फ्रॉम फूड ना आई थिंक यूट्यूब तो मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए जाता हूँ कि न्यूज हो गया या कुछ ऐसा, यो वाले वीडियोस है ना एक्सप्लेन, नीतीश राजपूत वाले एक्सप्लेनर्स वाले, वो स्टडीज केस स्टडी वो वाला। एक्चुअली मेरा यूट्यूब अभी सिर्फ मोस्टली इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा ही, जैसे बोला एसआईपी इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा, ये सब छोड़ के पोषणपा नाम कैसे आया? तो यार मुझे नाम पसंद नहीं था, मैं पहले ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नाम पसंद नहीं था, मतलब मुझे ऐसा मेरे लिए कोई ऐसा नॉस्टैल्जिक वैल्यू नहीं है पोषणपा की। तो जो हमारे बाकी 3 लोग हैं समीर, अमित और सौरभ खन्ना, इनको ये नाम बड़ा पसंद था और मैं शायद अकेला था जो शुरू में थोड़ा सा वो नहीं था, फॉर था, बट आई थिंक उनका जो थॉट था वो ये था कि पोषणपा इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरी टेलिंग गेम्स दैट यू प्ले इन चाइल्डहुड विद द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और पोषणपा भाई पोषणपा, तो इन्होंने बोला और मुझे लॉजिक समझ में आया, तो मैंने बस ये बोला कि चलो फिर पोषणपा है तो पिक्चर्स कर देना कि ताकि पापा थोड़ा सा एटलीस्ट साउंड बेटर आए, तो इसलिए पोषणपा पिक्चर्स वैसे वाला हुआ। और मतलब हाँ तब से एक्चुअली, हाँ जब कई लोग मिलते हैं और वो लोग नाम की तारीफ करते हैं या तो बोलते हैं क्यों ये इसका नाम का, मुझे बॉम्बे वालों को काइंड ऑफ नहीं पता पोषणपा तो उनको समझाना पड़ता है, बट नॉर्थ में काफी लोगों को पता है तो काफी लोग बोलता रहे वाह क्या नाम रखा है, क्या इंडियन नाम है पोषणपा पिक्चर्स, तो हाँ कैची है नाम, कैची है, हाँ ये मैं मानता हूँ कैची तो है, एकदम से अलग से साउंड करता है, ये क्या है पोषणपा। हाँ आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड तो वाइफ है यार, मैं झूठ क्यों ये सेफ आंसर है, शादी में बोलना पड़ता है क्या ऐसा? नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बिबू भी यही बोलते हैं, टेम्पलेट आंसर है ये, टेम्पलेट आंसर नहीं है, सीरियसली मैं बोल रहा हूं एक्चुअली, मतलब मैं इंस्पिरेशन भी उसी को बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ जो डेडिकेशन। सेकंड बेस्ट फ्रेंड आपका? सेकंड बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली तुम जानते हो स्कूल का है, 25 सालों पुराना वैसे वाला, बट ये सभी लोग वैसे ही हैं यार, सब क्लोज ही हैं सब, ऐसे एक का नाम लेना भी गलत लगता है, एक एज तक ना ये क्वेश्चन रेलेवेंट रहता है। हाँ, फिर बेस्ट फ्रेंड, फिर उसके बाद तो सब फ्रेंड है यार, अलग अलग चीजों के लिए आप अलग अलग लोगों को कॉल करते हो। कभी ऐसा हुआ फील कि यार फ्रेंड्स नहीं है बॉम्बे में, कम है, सिर्फ वर्क रिलेटेड ही सब कुछ है एनवायरमेंट ऐसा? बट वैसा भी है ना कि वर्क रिलेटेड एक्चुअली कभी फील नहीं हुआ, अभी तो बोल रहा था तो फील करवा रहा था, काम के लिए आप दोस्ती करते हो बट इवेंचुअली उनसे आप फिर कभी ना कभी पर्सनल भी हो जाते हो, मतलब चीजें शेयर करने लगते हो। एक्चुअली मेरे को वैसा फील होता है कि
मतलब साथ में दोस्त तो किसी रीजन के लिए बने थे ना, जैसे मैं जीतू से दोस्ती इसीलिए की कि यार उसका भी तेरा भी थिएटर में इंटरेस्ट है, मेरा भी थिएटर में इंटरेस्ट है, अब फिर बन गए, अब हो गई दोस्ती, तो अब फिर आप नहीं सोचते कि अरे ये मैं इसके लिए ही है, अरे ये अगर नहीं करेगा तो फिर मैं दोस्त, ऐसा सोचते नहीं हो, वो नहीं होता. तो सबसे आई थिंक काम के लिए मिला, बट देन दे बिकेम फैमिली ओनली. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. आई होप आपको मजा आया होगा. बहुत मजा कन्वर्सेशन में, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. मुझे, मैं वही कह रहा था ना, बहुत स्मूथ फ्लो गया, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा लगा बात ही कर रहे हैं, कुछ भी फील नहीं, मेरे को फील नहीं हुआ कैमराज चल रहे हैं, तो बहुत सही था, बहुत मजा आया. हाय गाइस, इफ यू लाइक दिस कन्वर्सेशन देन प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री बिकॉज दिस इज देयर शो. I double dare you to like and subscribe.